सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के हुसैनाबाद से जदयू का कार्यकर्ता बैठक संपन्न। मेदिनी नगर के सत्कार भवन में पलामू प्रमंडलीय स्तर जदयू का कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुआ, जिसमें पूरे प्रमंडल से सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के रीम सेवक सिंह, पूर्व मंत्री राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार, श्रवण कुमार, प्रवीण सिंह, पूर्व मंत्री सुधा चौधरी, बैजनाथ राम, आर के मंडल, हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी आदित्य कुमार चंदेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने का किया गया आह्वान। हुसैनाबाद से एसके चंदेल की रिपोर्ट। प्रमंडल का के कार्यकर्ताओं के बीच में आज बैठे हुए हैं, मंथन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। ये हमारे संगठन का स्थिति क्या है जी। और उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है। पूरे राज्य के सभी पांचों प्रमंडल में 6 कार्यक्रम हम लोग के माध्यम से बनाया गया। आज का कार्यक्रम जो है 3रा कार्यक्रम है। अच्छा। इसमें हम लोग भाप रहे हैं कि हमारे संगठन की ताकत क्या है, संगठन किस स्तर पर है, उसमें क्या बदलाव करना जरूरी है और किस तरह से हम मजबूत होंगे, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। और उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर, जिला से प्रखंड और पंचायत स्तर पर संगठन को बदलाव करते हुए निश्चित रूप से कारगर कदम उठाते हुए संगठन की मजबूती के आधार पर पार्टी को नीचे जमीन स्तर तक ले जाने का प्रयास के मकसद से आज का यह बैठक किया गया। अभी तक आपने क्या देखा? देखिए, अभी तो मान लीजिए कि अभी कोई चुनावी मौसम नहीं है। चुनाव 2019 में हुआ, उसके बाद से हम लोग बैठक प्रारंभ किए हैं। हमारा प्रदेश कमेटी भंग है, अब नए सिरे से कमेटी को बनाना है। तो उसमें हम लोग मतलब समझिए कि एक भ्रमण कर उसमें छान रहे हैं कि किस पद पर किस व्यक्ति को यदि रखा जाएगा तो हमारा संगठन मजबूत होगा।